गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर फोर, एन इंडियन अमेरिकन स्पेस वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. तो ये जो है ये कल्पना चावला के बारे में है ये स्टोरी, कि वो जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी. उनका बर्थ इंडिया में हुआ था इसलिए वो इंडियन कहलाती हैं, बट बाद में वो अमेरिका चली गई थी और वहाँ पर उन्होंने वहीं की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, तो इसलिए वो अमेरिकन भी कहलाती हैं. तो इसीलिए वो इंडियन और अमेरिकन दोनों की कहलाती हैं, दोनों ही जगह की वो थी. तो ये जो है ये न्यूज़ रिपोर्ट है कि एक ट्रेजेडी हुई थी जो जब वो गई थी यूएस स्पेस शटल में, कोलंबिया में बैठकर गई थी वो, जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था उसमें गई थी. तो जब वो वापस आ रहे थे तो वो उसमें आग लग गई थी और जो उसमें सिक्स मेंबर्स थे इंक्लूडिंग कल्पना, सेवन मेंबर्स थे, तो ये सब जो है उसमें उनकी डेथ हो गई थी. वो 1 फरवरी 2003 को सैटरडे था उस दिन और डेट थी 1 फरवरी 2003, तो उसमें वो सब जो हैं सेवन के सेवन मेंबर्स जो थे वो उसी में उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गए थे. और तब की बात है कि जब जो था इनका जो शटल था वो 200,000 फीट दूर अबव था और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था. तब जो था उनका कांटेक्ट जो था जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर जो था वहाँ से उनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया था. और ये 16 जनवरी को 2003 में ये यहाँ से कैनेडी स्पेस सेंटर था फ्लोरिडा में, यहाँ से ये लॉन्च हुआ था. और उसके बाद जब ये यहाँ 16 डेज उसमें रहे, सेवन मेंबर्स थे, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद जो थे ये वापस जब आ रहे थे तो एक ट्रेजेडी हुई और उसमें इन सब की डेथ हो गई. तो ये जो कोलंबिया था स्पेस शटल जो था इसकी ये 28th स्पेस फ्लाइट थी. इससे पहले ये 27th स्पेस फ्लाइट ये कर चुका था और अब ये 28th स्पेस फ्लाइट में ये एक्सीडेंट हो गया था और उसमें ये सब ख़त्म हो गए थे. और इस ये कहा जाता है कि इस तरह का स्पेस शटल जो होता है वो 100 फ्लाइट्स ले सकता है, बट 28th स्पेस फ्लाइट में ही ये ट्रेजिडी हो गई थी. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स इन ऑफ स्पेस. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. तो कल्पना चावला ने कहा था कि जब वो करनाल में थी, जब वो छोटी सी थी, तब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी वो स्पेस में जाएंगी. और उनके लिए तो यही बहुत था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें परमिशन दे दी थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो वो ग्रेजुएट करना चाहती थी, बैचलर की डिग्री लेना चाहती थी टैगोर स्कूल से, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ की परमिशन दे दी थी. आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो जब इन्होंने टैगोर स्कूल से बैचलर की डिग्री ले ली थी उसके बाद ये अपने फादर के अगेंस्ट उन्होंने पोज किया, वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो मास्टर डिग्री लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चली गई थी. शी लेटर अर्न्ड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. और वहीं पर उन्होंने फिर PhD भी किया एरो इंजीनियरिंग से. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनेवरल फ्लोरिडा. तो ये जो थी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कि जब वो ब्लास्ट हुआ था उसमें ये केप कैनेवरल फ्लोरिडा से ये गया था. और इनके साथ जो थे सिक्स मेंबर्स भी थे, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था. और इसमें पहले जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया था, फर्स्ट स्पेस मिशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ था. और उनकी फैमिली ने भी हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. तो इनकी फैमिली ने भी बहुत इनको प्रोत्साहन किया था जब ये इस कैनेडी स्पेस सेंटर से इन्होंने वॉच किया था कोलंबिया को जब ये गया था. कल्पना वॉज बॉर्न इन करनवाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर
जीन पेरी हैरिसन। कल्पना जो चावला जो थी उनका बर्थ हुआ था हरियाणा में करनाल में सिटी में, और उसके बाद ये यूएस चली गई थी। ये वहाँ की इन्होंने नागरिकता प्राप्त कर ली थी और वहीं के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जो इंस्ट्रक्शन देते थे फ्लाइट्स को, वहाँ उनसे उन्होंने मैरिज कर ली थी। उनका नाम था जीन पेरी हैरिसन। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. तो इन्हें जो है license मिला हुआ था single engineering airplanes का और multi-engine airplanes का, कि वो जो है उसको चला सकें। और इन्हें जो है सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर एंड वी विल स्टडी इट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।